यार इस हफ्ते कोई खास कंटेंट रिलीज नहीं हुआ यार। मैं बॉलीवुड की मूवी अगर हिट की, जो कि एक ऑफिशियली तेलुगु मूवी का रीमेक है, उसकी बात करूं या शाबाश मिट्टू की बात करूं, दोनों का ट्रेलर मैंने देखा था तभी मैं समझ गया था भाई ये मूवी तो मुझे नहीं देखनी। मेरे सर पे शेंडी नहीं लगी हुई कि भाई मैं कोई भी मूवी के लिए पैसा वेस्ट करूं। अगर आप लोग भी मेरी तरह हो जो कि अपना पैसा और टाइम बचाना चाहते हो तो आज हम लोग बात करेंगे रीमैरिजेस एंड डिजायर्स। ये कोरियन वेब सीरीज है जो कि आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलती है। नेटफ्लिक्स इज ऑन फायर मैन। टोटल इसमें 8 एपिसोड्स है जिसके हर एक एपिसोड ऑलमोस्ट 58 मिनट से लेकर 1 घंटे 11 मिनट की। और सबसे बेहतरीन बात यह है कि भाई आपको हिंदी और इंग्लिश ये दोनों ही लैंग्वेज में देखने को मिलती है। अगर आपको कोरियन लैंग्वेज आती है तो भाई देख सकते हो कोरियन में, मुझे कोई टेंशन नहीं है। ये कोई जॉम्बी रिलेटेड कोरियन वेब सीरीज नहीं है, ना ये एक्शन रिलेटेड है, ना ये स्पेस एडवेंचर है, बल्कि ये एक रिवेंज प्लस रोमांटिक ड्रामा है। कर शो की कहानी स्टार्ट होती है वैसे तो एक बंदे से जो कि बिल्डिंग से कूद रहा है, तो अब कहानी सीधा फ्लैशबैक में जाती है और हमें नजर आती है शुई हुई शोंग जो कि एक टीचर है। इसकी एक बेटी भी है और इसके हस्बैंड के साथ इसकी लाइफ बहुत अच्छी तरह से चल रही होती है। तभी कहानी में ट्विस्ट आता है कि सुई हुई का हस्बैंड बोलता है कि भाई मुझे डिवोर्स चाहिए। अब इसके बाद कहानी में क्या ट्विस्ट इंटर जाते कैसे सुई हुई का हस्बैंड सुसाइड करता है, अब इसके सुसाइड करने के पीछे की वजह कौन है, और फिर उसके बाद रिवेंज ड्रामा स्टार्ट हो जाता है और साथ साथ एक ऐसी कोरियन सोसाइटी के बारे में हमें पता चलता है जहां पर शादी सिर्फ एक बिजनेस है। तो ये सब कुछ करने के लिए आपको ये शो देखना पड़ेगा। तो क्या इस शो के लिए तो मैं एक ही चीज बोलूंगा कि सिर्फ रिवेंज ड्रामा तक ये शो सीमित नहीं रहता है। यस, क्योंकि इसके अलावा भी इसमें बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनके डिजायर्स के बारे में आपको इस शो में जानने को मिलेगा। कुछ के डिजायर्स है सोसाइटी में बहुत उच्च स्तर पे पहुंचना, अब कैसे पहुंचना वो तो शो में देख लोगे, लेकिन कुछ के डिजायर्स है सिर्फ रिवेंज लेना, और कुछ के डिजायर्स तो मुझे भी अभी तक क्लियर नहीं हुए। खैर, यहाँ पर एक ऐसी मैरिज एजेंसी भी देखने को मिलेगी जिसमें आपको अलग अलग कैटेगरीज देखने को मिलेंगी, जैसे सिल्वर, डायमंड और ब्लैक। सिल्वर मतलब जो बंदे जॉब करते हैं, डायमंड मतलब जिनका बिजनेस है, और ब्लैक मतलब जो बंदे बिलियनर्स है। तो यहाँ पर वो लड़कियाँ आती हैं रिश्तों के लिए जिनके डिजायर से कि भाई करोड़पति से शादी हो, या जिनके डिजायर से कि उनको एक अच्छा लड़का मिलना चाहिए, और यहाँ पर वो मिलियनर्स वो लड़के आते हैं जिनको एक अच्छी लाइफ पार्टनर चाहिए। तो ऐसे में इस एजेंसी को चलाने वाली जो ओनर है चुई हो उसका क्या अपना डिजायर है, और वो इस मैरिज एजेंसी को किस तरह से चला रही है वो देखकर भी आपको बहुत मजा आने वाला है। क्योंकि सिनेमेटोग्राफी अच्छी है, म्यूजिक बहुत अच्छा लगा मुझे, स्पेशली जो टाइटल सॉन्ग है बहुत ही गजब का, तो एक बार आप सुनोगे तो फिर बार बार सुनने का करेगा। कैरेक्टर्स की बात करूँ तो देखो हर एक कैरेक्टर्स को यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से लिखा है। यहाँ पर कुछ कैरेक्टर नहीं, बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, उन सारे कैरेक्टर्स को यहाँ पर अच्छा स्क्रीन टाइम दिया और उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई जिससे हम लोग कहीं ना कहीं वो कैरेक्टर से रिलेट कर पाए। स्पेशली मेरी फेवरेट कैरेक्टर या फेवरेट्स कैरेक्टर यहाँ पर शुई हुई था, चासुक था, ली जंग था, तो ये कुछ कैरेक्टर्स जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छे लगे। एक्टर्स के परफॉर्मेंस की बात करें तो हर एक एक्टर ने अपने इस रोल को बहुत अच्छी तरह से निभाया, और शो की जहाँ पर एंडिंग हुई है वहाँ से तो ऐसा लगता है कि इसका सेकंड सीजन आएगा। हालांकि कहानी ऑलमोस्ट सीजन वन में कंप्लीट हो चुकी है तो टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। खैर, अगर शो की नेगेटिविटी की बात करूँ तो देखिए आफ्टर 4 एपिसोड शो काफ़ी मुझे ड्रैग लगा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें लगी जो मुझे काफ़ी फनी भी लग रही थी और कहीं ना कहीं चीज़ों को खींचा जा रहा था, लेकिन एंड तक चीज़ें समझ जाती है और एंडिंग बहुत लोगों को अच्छी भी लगेगी शो की। तो पैरेंटल गाइडेंस पे इतना बोलूंगा, शो में अश्लील सीन्स है, बहुत सारे नहीं है लेकिन अश्लील सीन्स है, कुछ सीन एकदम कुछ। और मैं शो को रेटिंग दूंगा 7.5 out of 10। डेफिनेटली इट्स अ वॉचेबल शो अगर आपको देखना है तो, अदरवाइज आप लोग स्किप भी कर दोगे तो क्या फर्क पड़ता है यार, बहुत सारे कंटेंट आते हैं। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन सी यू।